हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग सॉल्व करते हैं ये टाइम और वर्क से रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल है जो कि टैंक को फिल करने में जो लगा समय है उससे रिगार्डिंग है। लेकिन इसमें क्या है, एक खास बात है कि इसमें जो दोनों साइमल्टेनियसली हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें साइमल्टेनियसली की बात कर रहा है कि जब दोनों पाइप ऑन हों। लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिवली है, मतलब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑफ होगा तो पहला ऑन होगा, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 4 मिनट्स एंड 6 मिनट। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ हमारा क्या कि ए जो पाइप है वो क्या है, किसी टैंक को वो क्या था 4 मिनट्स में फिल कर देता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बी दिया हुआ है उसी को वो क्या 6 मिनट में फिल कर देता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को क्या, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसके बारे में बताया हुआ है कि जितने भी टाइम और वर्क से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स उसके शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। नंबर पहला, आपको सबसे पहले क्या करना है कि टोटल यूनिट्स निकालना है, जो कि टोटल यूनिट्स आपका टोटल वर्क, जो हमारा टोटल वर्क है वो रिप्रेजेंट करेगा कितना वर्क हमको करना है। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ जो टाइम दिया हुआ है उनका हमको एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ और 6 मिनट दिया हुआ है तो इसका 4 और 6 का एलसीएम लेना, तो यह आ जाएगा आपका 12। तो 12 यूनिट आपको वर्क करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, पहला निकालना टोटल यूनिट, दूसरा हो गया आपका यूनिट पर डे निकालना है या यूनिट पर टाइम। तो टाइम में यहाँ पर दिया हुआ है क्या, मिनट दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यूनिट पर मिनट निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा, टोटल यूनिट कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल यूनिट इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट। तो अब हम लोगों का 12 यूनिट काम करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रेस्पेक्टिवली इफ दीज पाइप्स आर टर्न ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट्स, मतलब कि दीज पाइप्स ऑन है अल्टरनेटिवली ऑन होते हैं फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक है, ईच, तो विल इट टेक फॉर द सिस्टम टू फिल, मतलब सिस्टम जो टैंकी है उसको पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि पहले हमारा क्या है, 1 मिनट के लिए ए ऑन है तो ए क्या करता है 4 मिनट, मतलब क्या है 4 मिनट में वो टैंक को फुल कर देता है। ओके, तो इसका हम क्या निकालेंगे, यूनिट पर डे निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपॉन में इसके द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा टाइम। तो टोटल यूनिट यहाँ पर कितना, टोटल यूनिट तो सबके लिए इक्वल है तो क्या 12 हो जाएगा अपॉन टाइम क्या है, इसके लिए 4 हो गया 4, तो क्या होगा 4 × 12 तो यहाँ पर 3 हो गया यूनिट पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में ये 3 यूनिट फिल करता है। सेम हम बी के लिए निकाल लेंगे तो क्या होगा टोटल यूनिट अब इसके लिए भी क्या है 12 यूनिट ही है, तो ये 12 हो जाएगा अपन टाइम इसके लिए क्या है 6 मिनट है, तो 6 हो गया इक्वल टू क्या होगा 6 × 12 2 यूनिट पर मिनट हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले 1 मिनट के लिए क्या ए ऑन है तो ए कितना 3 यूनिट फिल कर देगा, अब फिर क्या दूसरे मिनट में क्या है बी ऑन है तो बी क्या फिर 2 यूनिट फिल कर देगा, फिर क्या ए की बारी आती है तो ए क्या उसको फिर 3 यूनिट फिल कर देगा, अब फिर बी की बारी आती है क्योंकि 1 मिनट के लिए ऑन होता है तो ये क्या 2 यूनिट फिल कर देगा। ओके, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 यूनिट हो गया पर 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में 5 यूनिट फिल कर दिया। यहाँ पर से फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब ये 5 यूनिट हो गया पर 2 मिनट। ओके, तो अब फिर किसकी बारी, ए की बारी आती है, तो ए की बारी अब ए क्या है 1 मिनट में 3 यूनिट काम करता है, लेकिन हमको ये क्या होगा 5 यूनिट और 5 यूनिट क्या 10 यूनिट हो गया, हमको क्या 2 यूनिट बचा हुआ है, यहाँ पर 12 यूनिट है तो हमको 2 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन ये क्या 1 मिनट में 3 यूनिट वर्क करता है, तो हमको कितना चाहिए, हमको 2 यूनिट काम करना है। तो इसके द्वारा जो लगा समय है वो कितना होगा, हमको 2 यूनिट चाहिए और ये 1 मिनट में ए 1 मिनट में कितना 3 यूनिट पर मिनट करता है, तो ये मिनट ऊपर पहुँच जाएगा, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो गया 2/3 इतना मिनट हो गया। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं तो इतना सेकंड हो गया, तो 3 × 6 तो यह क्या 20 हो गया, तो यह क्या 20 × 40 तो ये क्या 40 सेकंड लगेंगे, मतलब कि जो 2 यूनिट को ए के द्वारा 2 यूनिट फिल करने के लिए 40 सेकंड लगेंगे। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, ये 2 मिनट और ये 2 मिनट, ये 2 मिनट और ये 2 मिनट 4 मिनट हो गया, तो और ये 40 सेकंड हो गया, तो हमारा टोटल टाइम हो गया 4 मिनट और 40 सेकंड हो गया, 4 मिनट 40 सेकंड हो गया। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।